The question over here is that we need to talk about the structure of A and the type of isomerism in the above reaction respectively. ये हमारा कौन सा alkyne है? This is unsymmetrical terminal alkyne. ये unsymmetrical terminal alkyne है जिसका रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं. And the catalyst used over here is HgSO4. तो since हम यहाँ unsymmetrical terminal alkyne की treatment कर रहे हैं with acid in the presence of a catalyst Hg2+. So in a way, addition of water to alkynes occurs in acidic medium and in the presence of Hg2+ ions as a catalyst. Yes or no? तो यहाँ पर पानी का addition होगा टू दी एल्काइंस जो एसिडिक मीडियम में है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2+ आयंस. क्लियर है? सो अनसिमेट्रिकल टर्मिनल एल्काइन में पानी का जो एडिशन होगा इट विल बी इन अकॉर्डेंस टू विच पर्टिकुलर रूल. टेल मी यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होने वाला है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द सेम कि मैम यहाँ पर ये वाला रूल फॉलो होगा? द रूल टू बी फॉलोड ओवर हेयर इज मार्कोनिकॉफ रूल. ठीक है. सो यहाँ अनसिमेट्रिकल टर्मिनल एल्काइन में पानी का एडिशन हो रहा है इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकोव रूल. मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन अटैचेस टू दैट कार्बन एटम विच इज हैविंग फ्यूअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो ये हमारा जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो इस अनसैचुरेटेड जो हमारे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हैं वहाँ अटैक करेगा और उस कार्बन आटम पे अटैक करेगा जहाँ पर फ्यूअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम्स हैं. इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज में ये कहना चाहूँगी कि मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि अमीर और अमीर हो जाएगा हाइड्रोजन आटम्स के रिस्पेक्ट में और गरीब हो जाएगा. सो हमारा जो ए होगा इट विल बी CH3 देन इट इज़ कार्बन डबल बॉन्ड CH. So negative part of the addendum attaches to that carbon atom which is having fewer number of hydrogen atoms, and positive part of the addendum attaches to that carbon atom which is having more number of hydrogen atom. So A हमारा according to Markovnikov rule पानी का addition हुआ unsymmetrical terminal alkyne में और हमको ये मिल गया A. ये जो हमारा A है इसका नाम क्या है? Its name is Prop–1–en है एंड 2–ol है. Prop–1–2–ol बेसिकली. अब जब हम इसकी आइसोमेरिज्म करेंगे इन अ वे अगर मैं इसका टॉटोमेरिज्म करूँ ऑन टॉटोमराइजेशन, मेटामेरिज्म नहीं होने वाला, टॉटोमेराइजेशन होगा. ठीक है. सो टॉटोमराइजेशन के केस में क्या होगा? ये जो हमारा हाइड्रोजन है ना ये ऑसिलेट करेगा बेसिकली बिटवीन 1/3 पोजीशन. देखो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन. सो हाइड्रोजन इज एक्चुअली गोइंग टू ऑसिलेट बिटवीन देम. सो यहाँ से ये जो बॉन्ड है O और H के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये यहाँ शिफ्ट हुआ नेगेटिव चार्ज और इसने यहाँ से ये लिया प्रोटोन. सो ये टॉटोमराइजेशन हो गया है यहाँ पर. सो इट्स CH3 देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड दिस इज CH3 बेसिकली अ कीटोन. दैट इज वॉट वी हैव गॉट ओवर हेयर. सो ओवर हेयर ऑप्शन नंबर D, I mean to say option number 4 is the right answer. Prop–1–en–2–ol तो हमारा A बनेगा और on tautomerization we are going to get the corresponding ketone. Option number 4 is the right answer to the question.